हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई डॉक्टर निहारिका माखीजानी वेलकम यू ऑल इन आवर पढ़े क्लासेस। आवर पढ़े क्लासेस इज द प्लेटफॉर्म वेर इज सो मच टू लर्न फॉर एवरीवन। आज हम अपनी कक्षा के अंतर्गत पढ़ रहे हैं कक्षा छठी का पाठ 15। पाठ का नाम है टूटा किनारा। नाम से ही पता चल रहा है कि इस पाठ में टूटे हुए किनारे को जोड़ने के लिए किए गए परिश्रम का क्या फल मिलता है, यह बताया गया है। इस पाठ के लेखक हैं श्री हिमांशु जोशी। सबसे पहले इस अध्याय का मूल भाव देखते हैं। ईश्वर उसी को सिद्धियां और शक्तियां, विशेष शक्तियां प्रदान करता है जो कर्मशील होते हैं। कर्महीन नर को कहीं भी सुख नहीं मिलता। परिश्रम में ही सिद्धियां बसती है। अपने कार्य को तन मन सच्ची श्रद्धा और विश्वास से करने वाला विनम्र व्यक्ति सदैव अलौकिक शक्तियों से भरा रहता है। इस पाठ में एक किसान का वर्णन किया गया है जिसके अंतर्गत यही सारी शक्तियां विद्यमान है। इस पाठ में एक विशेष संदेश दिया गया है कि कर्म करने वाले व्यक्ति के कर्म में उसके मन में सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। कर्म करने से मन विनम्र हो जाता है और इसी विनम्रता के कारण मन शुद्ध हो जाता है। पूजा पाठ करने से भी अधिक शुद्ध। पूजा पाठ का अपने जीवन में अलग महत्व है एवं कर्म का भी हमारे सबके जीवन में अलग महत्व है। इसलिए हमें नित्य कर्म करते रहना चाहिए और दूसरों की सहायता करने वाले कर्म भी करने चाहिए। आइए पाठ पढ़ते हैं। बहुत पुराने जमाने की बात है, एक गरीब किसान था। उसके पास अपनी जमीन नहीं थी। वह दूसरों के खेतों में काम करता था। सुबह उठते ही खेतों में चला जाता और रात के अंधियारे में घर लौटता। साधारणतः किसानों की यही दिनचर्या होती है। उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे, बीमार पत्नी थी, रिश्ते की एक अनाथ बच्ची को भी वह पाल रहा था। कमाने वाले हाथ केवल दो थे और खाने वाले मुंह पांच। किसान पत्नी का इलाज नहीं करा पा रहा था। उसके लिए रोटियां जुटाना ही इतना कठिन था, फिर इलाज के लिए पैसे कहां से लाता। यह किसान की निर्धनता को दर्शाता है कि निर्धन होते हुए भी वह सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता था। गांव के पास घना वन था। वहां एक प्राचीन मंदिर था। उसमें एक साधु रहते थे। उनका बड़ा नाम था। उनकी सिद्धियों की चारों ओर चर्चा थी। किसान श्रद्धालु था, परंतु उसके पास भजन कीर्तन में जाने का समय ही कहां बच पाता था। दिन भर का थका घर आता तो पता नहीं चलता कि कब नींद आई। सुबह चिड़ियों के चहचहाने पर उसकी आंखें खुलती और वह खेतों की ओर निकल जाता। गांव में जो साधु महात्मा थे वो भजन कीर्तन करते थे, परंतु यह किसान वहां कभी नहीं जा पाता था। किसान को हमेशा अफसोस होता था, यह दुख होता था कि वह भगवान की पूजा के लिए समय नहीं निकाल पाता है। यह जन्म तो उसका यूं ही बीत गया, क्या अगला भी ऐसा ही बीत जाएगा। उसे इच्छा तो बहुत थी कि वह ईश्वर का भजन कीर्तन करे, परंतु अपनी दैनिक कार्यक्रमों के अंतर्गत वह समय नहीं निकाल पाता था। इसी तरह वर्षों बीत गए, किसान बूढ़ा हो चला। अब उससे खेतों पर भी काम न हो पाता था, फिर भी गुजारा तो करना ही था। मरता जीता किसी तरह जुटा रहता। इतने प्राणियों के लालन पालन की समस्या जो थी। एक बार मूसलाधार बारिश हो रही थी। गांव के पास से बहती नदी में बाढ़ आ गई। दूसरे दिन अचानक नदी का किनारा टूट गया। पानी गांव की ओर वेग से आने लगा। पानी गांव में घुसा तो सब साधु के पास दौड़े दौड़े आए और बोले कि आप भी हमारी रक्षा करें, हमारा गांव डूब रहा है। यदि और पानी आया तो हमारे पशु बह जाएंगे, खेत खलिहान डूब जाएंगे। मुसीबत के समय सभी गांव वालों को उन साधु महात्मा की याद आई कि ये अवश्य अपनी सिद्धियों के सहारे हमारी सहायता करेंगे और हमें इस संकट से बचाएंगे।
साधु को अपनी सिद्धि पर पूरा भरोसा था। वह गांव के लोगों के साथ नदी की ओर चल दिया। जो ही साधु नदी पर पहुंचा, उसने अचरज से देखा कि बूढ़ा किसान अपने सारे परिवार के साथ टूटे किनारे पर मिट्टी डाल रहा है। एक ही व्यक्ति अपने परिवार के कुछ सदस्यों के साथ टूटे हुए किनारे को मिट्टी से बचाने की कोशिश कर रहा था। घनघोर वर्षा हो रही थी, किंतु वर्षा की बूंदें उसके शरीर पर टिकती ही न थी। वह इतना कठिन परिश्रम कर रहा था, उस परिश्रम के कारण बरसात की बूंदें उसके शरीर पर नहीं टिकती थी, फिसल जाती थी, फिसल कर नीचे गिर पड़ती थी। साधु ने अचरज से आंखें मली और सोचा कि ढेरों सिद्धियां उसके पास है, मगर ऐसी एक सिद्धि एक भी नहीं। कैसी सिद्धि? कि बारिश का पानी भी अपने शरीर को भिगो न सके। वर्षा में शरीर न भीगे, कपड़े न भीगे, यह कोई मामूली सिद्धि नहीं थी। उसे लगा यह गरीब दिखने वाला किसान कोई बड़ा सिद्ध है। इस किसान के पास अवश्य कोई सिद्धि है, तभी इसके शरीर पर बारिश की बूंद नहीं टिक पाती, यह भीग नहीं रहा। गांव वालों को उस किसान की सहायता करने को कहकर साधु वापस चला गया, किंतु उसे चैन नहीं मिला। बार बार उसे वह किसान याद आता रहा। साधु महात्मा ने सभी गांव वालों को यह आदेश दिया कि यह अकेला यह काम कर रहा है, तो आप भी इसकी सहायता कीजिए। इस तरह आदेश देकर साधु वहां से चला गया, लेकिन उसका कहीं मन न लगता था। सुबह से पहले ही वह उठा और सीधा वहां पहुंचा जहां किनारा टूटा हुआ था। गांव वालों के एकजुट प्रयास ने स्थिति का को अधिक बिगड़ने से बचा लिया था। वहां पहुंचकर साधु ने की आंखें बूढ़े किसान को ढूंढने लगी। जब साधु वहां पहुंचे तो वे बूढ़े किसान को ढूंढ रहे थे। वह उसके एक और बैठा मिल गया। कहीं बाढ़ का खतरा बढ़ गया तो सभी लोग बह जाएंगे, यही सोचकर वह एक पल के लिए भी सो न पाया था। सभी गांव वाले तो उसकी सहायता करके जब स्थिति कंट्रोल में हो गई तो वहां से चले गए, परंतु वह बूढ़ा किसान वहीं बैठा रहा कि यदि रात को भी कहीं कोई दरार वरार पड़ गई किनारे में और सब सोते रह गए तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो वह वहीं पर बैठा रहा और सो भी न पाया। साधु को देखते ही किसान उनके चरणों पर झुकने लगा, किंतु साधु ने उसे दोनों बाहों में समेट लिया और बोला, यह क्या कर रहे हो? मैं इतने वर्षों से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम ही एकमात्र व्यक्ति हो जो कभी मेरे मंदिर में नहीं आए। साधु को भी यह बात पता थी कि इसे मैंने कभी भी अपने मंदिर में भजन कीर्तन के लिए आते हुए नहीं देखा। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने इस जीवन में कुछ भी तो नहीं किया, न दान पुण्य किया, न पूजा पाठ किया, सारी जिंदगी यूं ही नष्ट कर डाली। साधु ने कहा, नहीं नहीं, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? तुम्हारे पास जो सिद्धि है वह मेरे पास भी नहीं है, तुमने मुझसे भी अधिक तप किया होगा, साधु बोली। किसान हंसने लगा, कैसा तप महाराज? मैंने कोई तप नहीं किया, न मेरे पास कोई सिद्धि है, मैं तो सीधा साधा किसान हूं, बस हर काम को भगवान का आदेश समझकर पूरी लगन से करता हूं। कहते कहते उसका चेहरा दमकने लगा। दूसरों की सहायता और अपना कर्म करने का जो गौरव होता है, उससे एक अलग ही चमक दिखाई देती है। साधु ने उसे ध्यान से देखा। उन्हें लगा जैसे आदमी के रूप में देवता खड़ा है। फिर वह चुपचाप लौट गया। साधु को भी यह समझ में आ गया कि कर्मनिष्ठ होकर अपना कर्म करना एवं सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहना, यह अपने आप में इतनी बड़ी सिद्धि है, जिस सिद्धि को प्राप्त करके मनुष्य को ऐसा आनंद प्राप्त होता है, उसके मन में इतना संतोष उत्पन्न हो जाता है, जो संतोष अन्य किसी कार्य से प्राप्त नहीं हो सकता। इस प्रकार इस पाठ के द्वारा लेखक हिमांशु जोशी ने हमें कर्म का महत्व समझाया है। मैं आशा करती हूँ आप सबको यह पाठ समझ में आएगा। अभ्यास प्रश्नोत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक से डाउनलोड करके आप सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अभ्यास प्रश्नों में अपने विचारों का समावेश अवश्य करें। आओ पढ़ें के साथ निरंतर जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।